अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा यूट्यूब के साथ। इससे पहले मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया, तो आप बताएं कि पहला व्लॉग मेरा कैसा बना। ये मैं हरमनार आया हुआ हूँ आज, आज बस ड्यूटी से फ्री हुए तो सोचा हरमनार एक चक्कर वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि अक्सर जब भी हम फ्री होते हैं तो इधर आके बैठ जाते हैं या थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। इसके अलावा मैं बेसिकली शेखपुरा से बिलोंग करता हूँ और शेखपुरा के साथ ही मेरा गांव है जहाँ जहाँ का मैं रहायशी हूँ, लेकिन मेरी जो मेन ड्यूटी है वो शेखपुरा शहर में ही होती है। तो इस वजह से जब भी कभी टाइम मिलता तो इधर आके बैठ जाते हैं। तो आज थोड़ी सी कोई टिकटॉक वीडियोस बनाई तो सोचा आज व्लॉग एक बना के देखते हैं। तो ये हिरमनार है, इसका इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा था, लेकिन इसके बारे में मुझे इतना से ही बस पता है कि एक बादशाह था, उसकी हिरण रखी हुई थी उसने, तो उस नाम से बस हिरमनार बन गया। इसके अलावा मुझे कोई हिस्ट्री नहीं इसकी पता। आप जब आएँ तो इसकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़िएगा, इधर एक बोर्ड लगा हुआ है उस पर इसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो ये शेखपुरा की शान है हमारा हिरमनार, जैसे लाहौर का मीनार पाकिस्तान है वैसे हमारे शेखपुरा का मशहूर जो है वो हिरमनार है। तो आप सब भी अपने शहर का ज़रूर बताएं कि वहाँ का क्या मशहूर है। तो ये इधर आज शूटिंग चल रही थी, पता नहीं किसी ऐड की या किसी ड्रामे का कोई सीन हो रहा था, तो हम बस बैठ के देख रहे थे कि क्या चक्कर है। बस गाड़ियाँ गाड़ियाँ आई थी और सेटअप कैमरा वगैरह, तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा एड्स वगैरह शूट हो रही हैं। तो इधर अक्सर शूट वगैरह होता रहता है, कोई ब्राइडल शूट या कोई TV की मशहूरी वगैरह। इसके अलावा जो भी आपका कोई सवाल हुआ वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हिरमनार का मेन गुंबद है जिसके चारों तरफ पानी है और इधर कश्ती वगैरह में लोग। तो ये मैंने इधर बच्चों को देखा तो रोक के मैंने सोचा थोड़ा सा इनके साथ शुगल मेला लगाता हूँ। तो ये बच्चे जो है ना वो बेसिकली ट्रिप के साथ आए हुए थे, तो मैंने सोचा इनसे बातचीत करता हूँ। तो मैंने बात की तो उन्होंने बताया हम ट्रिप के साथ आए हुए हैं, तो वो हमारी टीचर्स वगैरह साथ हैं, तो आप हमारे साथ थोड़ी टिकटॉक वीडियो बना लें, हमारे साथ कोई पिक्चर वगैरह ले लें। तो मैंने कहा चलो बच्चों का दिल रखने के लिए। तो इसके बाद हम फिर अपनी ड्यूटी की तरफ निकल गए। तो इतना सही व्लॉग था आज का हमारा।